तो कल हम बच्चों कर रहे थे कि नेचर ऑफ फ्रूट्स, नेचर ऑफ फ्रूट पे एक क्वेश्चन और बना लेते हैं और उसके बाद हम सीधा चलते हैं कॉमन रूट पे, कॉमन रूट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो नेचर और रूट पे देखो ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 2 + i√3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन x² + px + q = 0 वेयर p एंड q आर रियल, यहाँ पे p और q रियल है, ठीक है। और क्या बोल रहा है ये हमें, और हमें बोल रहा है हाँ पी और क्यू यहाँ पे क्या है आपके रियल है, पी और क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक बात तो सिंपल सी मैंने आपको बताई थी कि अगर किसी के भी रूट इमेजिनरी आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो कौन से रूट होते हैं, वो इक्वेशन क्या है x² + px + q। अगर एक रूट आपको दिया हुआ है 2 + i√3, इसका मतलब क्या, दूसरा रूट क्या होगा, अगर एक अल्फा में मान लो उसे 2 + i√3 तो दूसरा रूट क्या होगा, बताओ फटाफट। 2 + 2 - i√3। वेरी गुड, 2 - i√3 इमेजिनरी हो गया ना ये, तो डी अंडर लेस यस देन तो इमेजिनरी आ गया अपना, ठीक है, क्लियर है। अब अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, सम ऑफ फ्रूट्स निकाल लो, सम ऑफ फ्रूट्स करोगे तो क्या आएगा बताओ, इस इक्वेशन का सम ऑफ फ्रूट्स बताना है, अल्फा प्लस बीटा बताओ, इसमें से अगर देख के फोर बताओ फोर अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, नहीं, इसमें से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है ना, कि यहाँ अच्छा पर अच्छा -b/a क्या हो जाएगा, -p, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a, c क्या है यहाँ पे q, तो अल्फा बीटा आ गया q, अल्फा प्लस बीटा आ गया -p। जरा आप दूसरे एंड से प्लस करो इसको, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा करना क्या आएगा, 4, मल्टीप्लाई करो अल्फा इंटू बीटा को, तो यहाँ से तो 4 आ गया, तो यहाँ से p कितना आएगा, p तो निकल ही गया आपका, 4 = -p, यस और नो, p = -4 आ गया, यस सर, बता ना, इसमें रख दिया अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, ये -p भी आ गया, अल्फा इंटू बीटा कितना है, फटाफट बता दो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, 2 + i√3 × 2 - i√3, ये तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया, a + b a - b वाला, तो 2² - i√3 का स्क्वायर, ये कितना आया, 4, ये कितना आया आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आया, मैंने आपको बताया था आयोटा कितना होता है, √-1, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, -1, ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 4, आई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूंगा, -1 × 3, तो ये कितना आया आपका, 7, ठीक है, ये कितना आया, आई अल्फा इंटू बीटा कितना है, 7, तो क्यू आ गया आपके पास, क्यू आ गया 7, क्यू कितना आ गया, 7 आ गया, तो पी और क्यू पहुंचा था, तो क्या है, पी क्या है आपका, -4 और क्यू क्या है, 7, ठीक है, क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब ये तो हमारा नेचर में, नेचर ऑफ रूट में 2-3 पॉइंट्स और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट्स देख लो आप, क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, अब आ जाता है, अभी तक तो हम d1 d की बात कर रहे थे, d सर ग्रेटर देन है तो क्या होगा, d लेस देन है तो, d = 0 है तो, इसकी बातें कर रहे थे, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगर दो डिस्क्रिमिनेंट दिए हुए, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और उनके डिस्क्रिमिनेंट को हम प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, वो सब बातों पे आएंगे, उनके उस पे आते हैं, सपोज दो इक्वेशन दिए और उनके डिस्क्रिमिनेंट को मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, प्लस कर रहा हूँ, मैंने एक का डिस्क्रिमिनेंट लिया और दूसरे का डिस्क्रिमिनेंट लिया और मैंने उन्हें प्लस कर दिया, सच दैट इक्वेशन क्या हो गई मेरी, > 0 हो गई, > या = 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि इक्वल कब होती है, जब रियल रूट्स होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, ग्रेटर देन कब होती है, जब रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, तो अगर अगर मेरी इक्वेशन d1 + d2 > 0 आ रहा है, तो हो सकता है इसमें से एक इक्वेशन जरूर क्या होगी, जहां पर d क्या होगा बच्चों आपका, > 0 रहा होगा, एक इक्वेशन क्या रहेगी जहां पर d आपका > 0 रहा होगा, हो सकता है = 0 हो सकता है, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो = 2 भी हो जाए, दोनों को मैं जोड़ दूं तो हो सकता है = 2 भी हो जाए, इसलिए इसको बोला है इस इक्वेशन में एक तो रियल रूट आपका होगा ही होगा, एक इक्वेशन में तो रियल रूट आपका होगा ही होगा, पहला पॉइंट ये समझो, ये समझने के लिए पॉइंट है। अगर आप एक बात समझो, d1 + d2 आपका लेस देन जीरो है,
नेगेटिव है, तो जो इसके दो हो सकता है, ये वाली इक्वेशन डी टू मेरी ग्रेटर देन जीरो हो और ये वाली इक्वेशन मेरी लेस देन जीरो हो, तो इनमें से कोई ना कोई इक्वेशन तो लेस देन होगी, डी वन या डी टू में से कोई एक तो लेस देन होगा, तो ये यही बोल रहा है इनमें से किसी एक का क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे, इनमें से किसी एक इक्वेशन के क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्लियर है यस और नो? क्लियर है यस और नो? आप पहले वाला एग्जांपल देखो, यहाँ से देखो डी वन और डी टू था बच्चों, डी वन और डी टू था, अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ डी मेरा टू है, ठीक है, तो ये डी क्या है और यहाँ पे मान लो डी मेरा फोर है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो डी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर भी ग्रेटर देन जीरो, टोटल मिला के सिक्स बन रहा है, तो ये ग्रेटर देन जीरो हो गया। सपोज आपका एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है, मैं मान लेता हूँ ये नेगेटिव है, ये माइनस टू है, तो ये आ तो मेरा ग्रेटर देन जीरो है ना, आ तो मेरा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, तो दूसरा जरूर क्या रहा होगा, कुछ पॉजिटिव ही रहा होगा, तो क्या होगा दूसरा ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर एक लेस देन है तो दूसरा ग्रेटर देन, तो रियल रूट तो होंगे ही होंगे, पीछे वाला इसमें बता रहा था ये मैं, ठीक है इसका बता रहा था। अब आते हैं इस वाले इमेजिनरी वाले पे, इमेजिनरी वाले पे क्या है, इमेजिनरी वाले पे हम बोल रहे हैं कि दोनों में से कोई ना कोई एक तो क्या होगा आपका, इमेजिनरी रूट होगा ही, ठीक है लेस देन है ना, तो कोई ना कोई एक तो इमेजिनरी बना रहा होगा। तीसरा देखो अब मल्टीप्लाई में है, अगर दो डिस्क्रिमिनेंट को आप मल्टीप्लाई करो बच्चों और उनमें से लेस देन जीरो आ जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है लेस देन जीरो आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक उसमें से डिस्टिंक्ट होगा और एक क्या होगा इमेजिन। भैया एक बात मुझे सिंपल सी बताओ, दो डिस्क्रिमिनेंट को मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव कब आएगी वैल्यू, जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तभी तो आएगी ना, ऐसा तो होगा नहीं, अगर दोनों नेगेटिव होते, दोनों नेगेटिव होते तो बच्चों पॉजिटिव वैल्यू आती, दोनों पॉजिटिव होते तो पॉजिटिव वैल्यू आती, जरूर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा, अगर एक पॉजिटिव है डी और एक नेगेटिव है डी, तो इसका मतलब क्या है, एक के रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे डिस्क्रिमिनेंट के और दूसरे के इमेजिनरी रूट्स होंगे, दूसरे के इमेजिनरी होंगे तभी नेगेटिव आ सकता है, मल्टीप्लाई करो तो एक के रियल डिस्टिंक्ट होंगे, आर एन डी लिख रहा हूँ, ठीक है तभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो बच्चों और पॉजिटिव आ रही है, तो बहुत सिंपल सी बात है अभी जो मैंने आपको बताया, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉजिटिव वैल्यू, हो सकता है दोनों नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव हो मतलब डी लेस देन दोनों का जीरो हो तभी नेगेटिव आता है ना, तभी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, या हो सकता है दोनों में डी ग्रेटर देन जीरो हो, तो ये चीज बोल रहा है बोथ इक्वेशन इज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, या तो दोनों इक्वेशन के क्या होंगे रियल डिस्टिंक्ट, ठीक है, या तो दोनों इक्वेशन के क्या होंगे इमेजिनरी, ठीक है उसी कंडीशन में डी वन और डी टू, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे जिसमें आपको बोल रहा है कि दो डिस्क्रिमिनेंट को मल्टीप्लाई करने पर आपकी वैल्यू क्या रही है ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब या तो वो इक्वेशन में दोनों रूट क्या है डी वन डी टू दोनों क्या है रियल एंड डिस्टिंक्ट बना रहे हैं, या तो फिर क्या है उसमें से दोनों इमेजिनरी बना रहे हैं, क्लियर है ये चीज, यस सर, ठीक है ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट देखते हैं और क्या है, बस इतना ही है इसमें तो और तो कुछ है नहीं, ठीक है गुड इवनिंग सर, हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब आ जाते हैं सीधे पहले ये वाला क्वेश्चन कॉमन रूट का है, तो कॉमन रूट के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बट एक मैं क्वेश्चन कराना चाहता था आपको इसी अभी, भैया ये टॉपिक पढ़ाया तो इस पे क्वेश्चन भी होना चाहिए था, ठीक है देख लेते हैं, नहीं है तो मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, रुको क्वेश्चन तो होना चाहिए इस पे, एक मिनट कॉमन रूट वाले आ गए ना सारे, चलो एक क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना, क्वेश्चन कह रहा है एक इक्वेशन लिख लो आप अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ये एक आपकी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ठीक है प्लस बी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ये दो इक्वेशन है, ठीक है अब ये बोल रहा है ये बताओ कि ये दोनों इक्वेशन कैसी है, दोनों के रियल रूट है, ऑप्शंस क्या है, दोनों के रियल रूट बोथ इक्वेशन रियल रूट्स, किसी एक इक्वेशन एटलीस्ट वन इक्वेशन के रियल रूट्स है, वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ठीक है और क्या ऑप्शन है इसमें, बोथ इक्वेशन के यहाँ पे बोथ है, बोथ रियल रूट,
तीसरा मान लो बोथ की इमेजिनरी रूट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं कि हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बोथ हैज इमेजिनरी रूट्स और एक मान लेते हैं एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज इमेजिनरी, एक के इमेजिनरी, एटलीस्ट वन हैज इमेजिनरी, ठीक है। ये दो इक्वेशन है तो सिंपल सी बात है भैया, दो इक्वेशन है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, डी वन और डी टू निकालेंगे सर, यही बोलोगे ना आप। दो इक्वेशन है और उसमें पूछ रहा है, नेचर पे कमेंट करने को बोल रहा है, हमें नेचर पे कमेंट करने को बोल रहा है। पेपर में भी आएगा, ऐसा हो सकता क्वेश्चन आ जाए आपको संडे को, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको नेचर पे कमेंट करना है। नेचर पे कमेंट करने के लिए मैंने क्या बताया, डी वन और डी टू की बात करनी पड़ेगी, डी वन और डी टू की बात करनी पड़ेगी। तो डी वन निकालो, डी वन निकालोगे तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर बी स्क्वायर। पहले वाली इक्वेशन को देखो, ये पहली इक्वेशन है, फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए की जगह पे रखा वन, सी की जगह पे क्या रखो, सी माइनस वन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन डी टू, डी टू बताओ क्या होगा, फटाफट बताओ क्या लिखूं यहाँ पे, सी स्क्वायर माइनस बी माइनस वन, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है। अब मेरे को क्या करना, अब मुझे कमेंट करना भैया, यहाँ पे एटलीस्ट वन पे बात हो रही है या एटलीस्ट दोनों पे बात हो रही है, तो डी वन प्लस डी टू निकालो जरा, डी वन प्लस डी टू निकाल के देखते हैं, ठीक है, इसके नेचर पे कमेंट करने के लिए। तो जरा प्लस करो, ये कितना हो गया आपका फोर बी स्क्वायर, और ये कितना था माइनस, यहाँ से देख लेते हैं, माइनस फोर सी प्लस फोर, यस और नो, यस सर, यस सर, माइनस फोर सी प्लस फोर। दूसरे वाले से क्या आ रहा है आपका, प्लस सी स्क्वायर माइनस सिक्सटीन बी प्लस सिक्सटीन, माइनस सिक्सटीन बी प्लस सिक्सटीन, वेरी गुड। इसको सॉल्व करो, क्या बन रहा है यहाँ पे बताओ, क्या बन रहा है यहाँ पे बताओ, 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 क्या करते हैं, बी स्क्वायर वालों को तो कॉमन ले लेते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज देख रहे होगे, जरा बीस को बी बी वालों को कॉम साथ में ले लो, फोर बी स्क्वायर माइनस सिक्सटीन बी, ठीक है, और क्या आ जाएगा मेरा, प्लस सिक्सटीन, इनको एक साथ ले लो, जरा टू ले रहा हूँ वो भी बताऊंगा, ठीक है। और क्या बच गया आपके पास, मेरे पास बचा सर सी स्क्वायर माइनस फोर सी, सी स्क्वायर माइनस फोर सी प्लस फोर। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जरा फोर कॉमन ले लेना, यहाँ पे क्या बचा बी स्क्वायर माइनस फोर बी प्लस फोर, और यहाँ पे क्या बचा आपका, ये तो इक्वेशन बन रही है, ध्यान से देखो कौन सी इक्वेशन बन रही है, ये बन रही है आपकी सी स्क्वायर माइनस टू ए सी वाली, क्या बोलते हैं उसको, प्लस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या लिख दूं इस पे, सी माइनस टू का होल स्क्वायर नहीं बन रही है, यस और नो, सी माइनस टू का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो, सी का स्क्वायर, यस सर बन रही है, ये वाली इक्वेशन क्या बन रही है, बी माइनस टू का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया फोर, यहाँ पे लिख दिया मैंने सी माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया आपका डी वन और डी टू। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ईमानदारी से ऑप्शंस देख के कि कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, क्या बोल रहा है वो, पहले तो क्वेश्चन पढ़ ले, क्या क्वेश्चन था, ये दो इक्वेशन दी हुई थी, ठीक है, कंसीडर द इक्वेशन, ये हमने कंसीडर कर ली। पहला बोल रहा है कि बोथ के रियल रूट्स होने चाहिए, बोथ के रियल रूट्स, ठीक है, एटलीस्ट वन इक्वेशन के रियल रूट, बोथ के इमेजिनरी रूट, एटलीस्ट वन एज इमेजिनरी रूट। तो एक बात मुझे सिंपल सी बताओ, कहां गया, कहां तक किया था, यहां तक, क्या होगा इसका आंसर, एक बात बताओ क्या होगा इसका आंसर, पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा इसका, ये लेस देन जीरो होगा, एक बात बताओ, डी वन प्लस डी टू क्या आएगा, दोनों डी वन प्लस डी टू क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, क्या आएगा सर, ग्रेटर देन जीरो, पक्का, पक्का ग्रेटर देन जीरो आएगा, ध्यान से देख के बताओ मुझे इक्वेशन, इक्वेशन ध्यान, पूरे रूट्स पढ़ लो अच्छे से पहले, फिर बताओ, नेचर पे कमेंट करो, नेचर पे कमेंट करने से पहले पूरी चीजें पढ़ लो अच्छे से, क्या होगा, बोथ के रियल रूट्स कब होते हैं, बोथ इक्वेशन के रियल रूट्स कब होते हैं, अगर मेरा d, अगर एक, हाँ एक मेरे, हाँ अगर एक मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला था, अगर d1 plus d2 less than 0 हो तो एक इक्वेशन के इमेजिनरी होते हैं, अच्छा d1 और d2 नेगेटिव
कब होंगे आपके, नेगेटिव कब होंगे बताओ, नेगेटिव कब होगा, डी वन प्लस डी टू आपका नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो, क्या कंडीशन बताई थी, ये दो कब होगा नेगेटिव आपका, सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने पर ही ये कंडीशन वैलिड होगी आपकी, यस और नो, यस और नो। अब इसको देख के मुझे जरा बताओ क्या होगा, आप इसकी तो गारंटी ले लोगे भैया ये पॉजिटिव है, यस इसकी गारंटी, हाँ नहीं इसकी गारंटी ले सकते हो आप, सी की वैल्यू थोड़ा ना पता है, ये तो जीरो भी तो हो सकता है, जीरो भी सी अगर टू हो गया मेरा तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, यस तो एक बात बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर, बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट वन इक्वेशन के क्या होंगे बच्चों आपके, एटलीस्ट वन इक्वेशन के क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, क्या होंगे, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, क्या आ रही है दोनों की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन जीरो, तो एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट, यानी ग्रेटर देन जीरो ही आएगा ना, आपने बताया कोई सर ये वाला तो पॉजिटिव ही आएगा, इसमें पॉजिटिव और ये कुछ भी वैल्यू आएगी, चलो जीरो भी आ गई मैं मान लेता हूँ, तो पॉजिटिव में जीरो ऐड करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो हो सकता है या तो डी आपका ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो हो और एक आपका ग्रेटर देन जीरो, यही हो सकता है ना, क्या पॉसिबिलिटी बन रही है मेरे पास, या तो दोनों में डी ग्रेटर देन जीरो है ना, या तो एक में डी ग्रेटर देन जीरो है और एक में तो क्या है इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट वन इक्वेशन में क्या है, देखो दोनों के रियल तो हो नहीं सकते, यस और नो, दोनों के रियल का क्या मतलब है, दोनों इक्वल्स टू जीरो है, ये तो हो नहीं सकता, एटलीस्ट हो सकता है दोनों इमेजिनरी वाला पार्ट तो पहले ही काट दो आप, इमेजिनरी वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं इसमें, क्योंकि लेस देन का सिनेरियो कहीं पर बन रहा है, लेस देन का सिनेरियो ही नहीं बन रहा, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है मेरा, ऑप्शन नंबर टू, दोनों रियल नहीं हो सकते, अब बच्चे पूछेंगे दोनों रियल क्यों नहीं हो सकते, भाई एक इसके आगे फोर लगा हुआ है ना, ये इक्वल्स टू जीरो कहाँ से आएगा, इक्वल्स टू जीरो तो नहीं आ सकता ना, ये फोर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी वैल्यू होगी प्लस माइनस नेगेटिव स्क्वायर होकर फोर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस केस में तो डी हमेशा मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, इस केस में तो यहाँ पे रियल और डिस्टिंक्ट हो गए, यहाँ पे क्या हो गए आपके, हो सकता है यहाँ पर आपका क्या हो, डी ग्रेटर देन जीरो हो या डी इक्वल्स टू जीरो, तो एक इक्वेशन क्या है इसमें से आपके रियल रूट्स बना रही है, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, किसी एक इक्वेशन के जरूर क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, क्लियर है, यस और नो, यस और नो, यस सर, तो इसमें ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है, ठीक है समझ में आ गया, अब आते हैं बच्चों कॉमन रूट के, वहां पे नेचर आपका खत्म हो चुका है, नेचर में यही कमेंट आपको करना पड़ेगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, अब आते हैं बच्चों कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट, ये जरा अच्छे से समझो कॉमन रूट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, ठीक है आपके पास दो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है दो पॉसिबिलिटी होगी, हो सकता है सपोज अब ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है सर, इसके रूट मान लो एक्स वाई, इसके रूट मान लो ए और बी, ठीक दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है उनका कोई एक रूट कॉमन हो सकता है, इसका भी एक रूट एक्स हो और इसका एक्स वाई इसका एक्स बी, हो सकता है एक रूट कॉमन हो उनका, हो सकता है दोनों में क्या हो दोनों रूट कॉमन हो, इसके भी रूट एक्स वाई हो इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक के और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखूं तो हो सकता है उसके भी दोनों रूट क्या हो एक्स वाई, तो हम दोनों तरीके सीखेंगे, अगर एक रूट कॉमन होता है तो इक्वेशन में क्या करते हैं, बोथ रूट कॉमन होते हैं तो क्या करते हैं, समझ में आ गया, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉसिबिलिटी क्या बनती है, या तो दोनों के अलग अलग रूट्स होंगे, वो तो छोड़ो वो तो अलग ही बात होगी, उसमें तो कुछ लेना देना नहीं है, हमें क्या लेना देना है, अगर इसमें दोनों इक्वेशन के सपोज इसके भी दो रूट है अल्फा बीटा और इसके भी दो रूट्स हैं अल्फा बीटा अल्फा गामा, तो यहाँ पे तो सर एक रूट कॉमन है इन दोनों के बीच में अल्फा, इसका भी अल्फा रूट है इसका भी अल्फा, और हो सकता है दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसके भी रूट्स हो अल्फा बीटा और इसके भी रूट्स हो अल्फा बीटा, तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज पे हम बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम आते हैं जब आपका वन रूट कॉमन होता है, दोनों इक्वेशन में वन रूट कॉमन होगा, ठीक है वन रूट कॉमन होगा, जब कॉमन रूट पढ़ रहे हैं तो जब हमारा एक ही रूट कॉमन होगा दोनों इक्वेशन से, उस सिनेरियो में क्या करेंगे, पहले हम उस पे बात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होता है।
देखो अब क्या बोल रहा है इसमें भी दो, इसमें आप देखो वन रूट के जो क्वेश्चंस बनेंगे ना आपके, जब आपका वन रूट कॉमन है, इसमें तीन तरीके से सॉल्व होगा जब आपका वन रूट होता है, मेथड वन, मेथड टू और मेथड थ्री। मैं तीनों मेथड बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले मेथड वन पे बात करते हैं, हमें यहाँ पे दोनों रूट, वी नो बोथ रूट्स ऑफ वन इक्वेशन, मेक देम सेटिस्फाई सेकंड इक्वेशन वन बाय वन। अब क्या होगा इसमें, हमें दो इक्वेशन दी होगी, ठीक है, दोनों के हमें क्या पता होंगे, दोनों के रूट्स पता होंगे हमें, क्या पता होंगे, बोथ रूट्स पता होंगे, किसी भी एक इक्वेशन के दोनों रूट पता होंगे, हो सकता है इसका अल्फा बीटा पता होंगे। ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। जब मुझे एक इक्वेशन के दोनों रूट्स पता है तो बहुत इजी हो जाएगी चीजें, ठीक है। दोनों एक इक्वेशन के दोनों रूट पता है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब ये वाली इक्वेशन देखो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यूज बतानी है, फॉर विच द इक्वेशन 3x² + 4mx + 2 = 0 एंड 2x² + 3x - 2 इक्वल्स टू जीरो, इनका एक कॉमन रूट है, इनका एक कॉमन रूट। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। अब एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, सिंपल सा ईमानदारी से बताओ, अगर इन दोनों के एक रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन है इन दोनों का, क्या मतलब है? अब आप देखो ये इक्वेशन है 4mx + 2 और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x² + 3x - 2 = 0। मैं बोल रहा हूं अगर इसका अल्फा बीटा है, दो रूट है, तो इसमें भी जरूर एक कोई ना कोई हो सकता है, एक रूट कॉमन होगा। मैं मान लेता हूं इसका भी अल्फा था, इसका भी वो रूट अल्फा कॉमन है, ठीक है, एक रूट कॉमन है, ये बात हमें बताई हुई, इतना ध्यान रखना आप। इसका अल्फा बीटा होगा और इसके जो दो रूट है वो अल्फा गामा होंगे, कोई एक रूट कॉमन है। अगर एक रूट कॉमन है बच्चों, एक सिंपल सी बात बताओ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत इजी है। देखो ये वाली इक्वेशन तो मेरी सॉल्व हो रही है, बहुत इजीली सॉल्व हो रही है। इसको सॉल्व करके जरा इसके फैक्टर बनाओ, क्या बनेंगे इसके फैक्टर, क्या बनेंगे फटाफट बताओ, 2x² + 2 हाँ 2x² क्या बनेंगे इधर, क्या x + 2 और 2x - 1 - 2x - क्या बता रहे हो, अच्छा सीधा फैक्टर बता रहे हो, बताओ दो फैक्टर क्या बनेंगे, x + 2 और 2x - 1। वेरी गुड, ये दो फैक्टर बनेंगे, ठीक है। अब इससे x की क्या वैल्यू आ रही है, सर इससे x की दो वैल्यू आ रही है, क्या क्या वैल्यू आ रही है भाई, एक आ रही है -2 और एक आ रही है क्या 1/2। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 1/2 है तो ये क्या निकल गए आपके, रूट्स निकल गए सर ये। तो इन दोनों में से जरूर कोई ना कोई एक रूट इसमें होगा, यस और नो, कोई ना कोई एक रूट, कोई ना कोई एक रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो अब हमें पता नहीं है वो कौन सा रूट है, या तो हो सकता है -2 हो बच्चों, या तो 1/2 हो। तो मैं दोनों को रख लूंगा और दोनों की वैल्यूज से मैं एम निकाल लूंगा, बस खत्म, एम की वैल्यूज निकालनी। जरा वैल्यूज निकालो, देखो क्या आएगी वैल्यूज। पहले अगर मैं -2 रखूं इस इक्वेशन में तो क्या आएगा मेरा, पहले हाफ रख लो या -2 रख लो, बताओ क्या आएगा अगर मैं -2 रखूं। मैं ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ इस इक्वेशन में, क्योंकि हो सकता है इसका जो कॉमन रूट है वो -2 भी हो सकता है, हो सकता है वो 1/2 भी हो, मुझे नहीं पता। तो दोनों पे पहले -2 रख के देखो, इस पे -2 रखा तो क्या आया फटाफट बताओ, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, आप मुझे दोनों इक्वेशन लिख रहा हूँ, मुझे बता दो इसमें से एम क्या निकलेगा, और दूसरे बार जब मैं 1/2 रखूंगा तो क्या निकलेगा, पहले इक्वेशन में से बताओ क्या निकलेगा फटाफट बताओ कितना आएगा, बताओ एम की वैल्यू क्या आएगी पहले इक्वेशन में से, 7/4 कितनी आई, 7/4 एम कितना रहा, 7/4, ठीक है पक्का। दूसरे से बताओ, कितना बोला आपने, ये कितना है 12 + 2 = 14 अगर गया मैंने मैंने कट गया बट बिल्कुल सही, ठीक है 14/7/4। दूसरे से बताओ क्या आएगी, दूसरे से क्या आएगी बताओ कितना हुआ ये,
बताओ बताओ, 3/4 और ये कितना हो गया, प्लस 2m प्लस 2, 3/4 -11/8 माइनस 11/8, वेरी गुड। ठीक है, तो हो सकता है m की, अब इसने हमसे पूछा था डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ m, m की वैल्यूज बताओ, तो हमें नहीं पता कौन सा रूट कॉमन है, या तो m की वैल्यू 7/4 होगी या तो m की वैल्यू -11/8 होगी। ठीक है, सिंपल मेथड था, कुछ नहीं किया। क्या मेथड रहता है पहला, मेथड वन में मैंने क्या बोला था, अपने को दो रूट्स पता होंगे, दो रूट्स पता थे ना, हमने निकाल लिए। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन में दो रूट्स नहीं दिए होते, बट इक्वेशन इतनी सिंपल थी, हमने दो रूट निकाल लिए, फिर उसको इक्वेट कर दिया और एम की वैल्यू निकाल के देख ली। मेथड टू देखो, अब इसमें क्या करेंगे हम, अब आपको ना इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो रही होगी, ये तो चलो भली इक्वेशन थी सॉल्व हो गई अपने आप, 2x² + 3x - 2, दूसरे में क्या रहेगा, आपकी इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेथड टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करनी होगी, सॉल्व इक्वेशन करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या। देखो अभी एक क्वेश्चन दी हुई है, ध्यान से देखो, गंदी बद्दी सी इक्वेशन आ गई, x² - ax + b = 0, x² + bx - a = 0, इनका एक कॉमन रूट है, तो पूछ रहा है भैया इनमें से कौन सा सही है। अच्छा कॉमन रूट है, कॉमन रूट है तो मैं क्या करूँ, क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखो, यानी अगर ये इक्वेशन x² - ax + b है = 0 और ये है x² + bx - a = 0, तो इन दोनों में कोई कॉमन रूट है, मैं मान लेता हूँ इसमें भी अल्फा और इसमें भी अल्फा कॉमन है। तो आप बोलोगे सर अल्फा अल्फा दोनों कॉमन है, हाँ जी, अगर अल्फा कॉमन है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यस सर बिल्कुल करेगा। तो क्या बनी इक्वेशन, अल्फा का स्क्वायर माइनस क्या क्या बनेगी, ए अल्फा प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, यस और नो। यस सर। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी सर, ये दूसरी, तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ये बनी अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस ए इक्वल्स टू जीरो, ये दो इक्वेशन बन गई। अब ये दोनों इक्वेशन बन गई है तो भैया इसको सॉल्व कर लो, क्या कर दूं इसको मैं, इसको माइनस कर दो, एलिमिनेट कर दो, माइनस माइनस और ये क्या हो गया प्लस। ठीक है, ये तो कट गया अल्फा अल्फा से कट गया, यहाँ पे क्या बचा आपका, अल्फा कॉमन ले लो, क्या बचा अंदर, माइनस ए माइनस बी, या सीधा लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो या तो अल्फा कॉमन लिख के सीधा लिख लो, माइनस ए माइनस बी, ये बचा, यहाँ पर क्या बचा प्लस आपका बच्चों, यहाँ पर बचा प्लस ए प्लस बी, यस और नो। ठीक है, समझ में आया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, कुछ नहीं किया। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, क्या आएगी अल्फा की वैल्यू, कोई भी बता दो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, कोई भी बता दो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा तो अल्फा अल्फा से अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो ये कितना बचेगा, माइनस अल्फा ए प्लस बी। ठीक है, और ये ए प्लस बी होल पूरा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है माइनस से माइनस कटा, अल्फा कितना आ गया, वन, अल्फा वन आ गया, यस और नो। यस सर। ठीक है, अगर अल्फा वन है, अल्फा वन है तो भैया किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किस में पुट करूं, ऊपर वाली में पुट कर लो, ऊपर वाली में पुट किया तो क्या आया, इसमें पुट कर लो अल्फा वन, इसमें पुट कर लो, 1 - a + b = 0, क्या आया मेरे पास, 1 - a + b = 0, इसको जरा सॉल्व करो, आगे पीछे करो, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, a ये उधर गया माइनस b, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या रह गया, 1, तो a माइनस b इक्वल्स टू 1, ये ऑप्शन था, यस जी बिल्कुल था, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, जब अगर आपको कॉमन रूट पता है तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, मान लेते हैं उनका एक कॉमन रूट अल्फा है, दोनों में अल्फा पुट किया, इक्वेशन सॉल्व किया, अल्फा की वैल्यू आ गई, उसको डाल दिया, कॉमन रूट भी निकल गया हमारा, जो हमें बताना था वो भी बता दिया। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, जैसा उन्होंने किसी को डाउट। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देखो, बोल रहा है x² + bx + 1 = 0 और x³ + bx³ + x² + x - 2 = 0 have a root in common, एक root common है, बढ़िया है, b की value बताओ, b की value बताओ, कैसे करोगे, क्या approach रहेगी इस question में, simple सर, वही approach अभी जो कराया, क्या मान लू दोनों में क्या common है, alpha मान लू दोनों में फिर से common, अगर alpha common है तो बताओ ये वाली equation क्या बनेगी, alpha square
plus b alpha plus 1 equals to 0? Yes or no? Yes or no? Yes sir. ठीक है, और इसको नीचे पहले बड़ी वाली को ऊपर लिख लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। और ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी? ये बनेगी सर अल्फा 4 प्लस क्या, बी अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यही बनेगी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, क्या करूं मैं इस इक्वेशन को पूरी को पहले अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा अल्फा 4, ठीक है, ये बन जाएगा अल्फा क्यूब, और क्या बनेगा, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर, और ये तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे, क्यों मल्टीप्लाई कर दिए, सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे नोट्स देखोगे तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, किसी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किए, हमने मल्टीप्लाई किया अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो फटाफट, बताओ माइनस 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 माइनस, ठीक है, क्या आया, तो कट गया सर, कट गया, और क्या कट गया, एग्जैक्टली क्या है आपके पास, माइनस अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है ना, यही बचा है, ऐसा ना, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखो अल्फा माइनस 2 और ये माइनस में 0 है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आया मेरे पास, अल्फा की वैल्यू कितनी, 2 आ गई। अगर अल्फा 2 है तो बी पूछ रहा बच्चों, रख दो जरा, किस में रख दोगे, इस इक्वेशन में रख दो अल्फा 2, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 2 बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो कितनी आई भैया वैल्यू, यही आई, सही कर रहे हैं हम, 4 प्लस 2 बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्या आई, माइनस 5 बाई 2, बी कितना आ गया आपका माइनस 5 बाई, यहाँ से बी निकाल लो, बी कितना है माइनस 5 बाई 2, क्लियर है, यस और नो, यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा मेथड देखते हैं, ये तो सॉल्विंग इक्वेशन वाला कर लिया, अब आते हैं तीसरा मेथड पे, अब आती है प्रॉपर कंडीशन लगाने वाली। अभी तक मैंने दो मेथड बताया आपको, एक में रूट्स निकल रहे होंगे, ठीक है जी, रूट्स निकल रहे हैं, बढ़िया है, मेथड 1 रूट्स निकालो, पुट करो, हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। एक में आपको रूट्स नहीं दिया तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैनुअली सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, मैनुअली सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो अभी किए। अब तीसरा है, यहाँ पे प्रॉपर कंडीशन लगाएंगे, ये प्रॉपर कंडीशन लगाएंगे, तो प्रॉपर कंडीशन भी सीख लो कैसे लगाते हैं, कॉन्सेप्ट सीख लो, प्रॉपर कंडीशन मेथड थर्ड है आपका, प्रॉपर कंडीशन अप्लाई करने वाला, प्रॉपर कंडीशन कैसे लगेगी वो देख लो, प्रॉपर कंडीशन देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सबने 10th में पढ़ी है, ठीक है, उससे ही ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सबने 10th में पढ़ी हुई है, बट मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने इसलिए इसमें डाली है ताकि जब आप ओवरव्यू करो तो आपको चीजों को पता चल सके, बट मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ज्यादा ध्यान में मत रखो। ये अगर आपको दो इक्वेशन दी हुई है तो कैसे करना है, आपको दो इक्वेशन दी हुई है तो ये क्वेश्चन कैसे करना है वो अपने को ध्यान से देखो कैसे होगा, ठीक है, क्या करना है आपको, बस अभी कॉन्सेप्ट से देख लो, a1 into c2, भाई म्यूट करो एक बार, विश्वास आज भी सुबह, ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, मुझे a1 को c2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहला स्टेप, जो दूर दूर है पहले उन्हें मल्टीप्लाई करो, मैंने क्या बोला पहले, ये दो इक्वेशन लिखी हुई है देखो, a1 x2 x2 प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, a2 x2 प्लस b2 x प्लस c2, तो पहला स्टेप मैंने क्या बोला, ध्यान से समझो, पहले स्टेप में क्या करो सर, पहले स्टेप में जो कोफिशियंट है, ठीक है, कोफिशियंट इसका एक्स स्क्वायर का और कांस्टेंट, इसको मल्टीप्लाई करो दूर वाला, ठीक है, c1 इंटू a2, तो क्या बना आपका, c1 इंटू a2 माइनस c2 a1, ठीक है, ये दोनों को माइनस करो और इसका स्क्वायर करो, दोनों को माइनस करोगे और उसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, दूसरा स्टेप क्या रहेगा, दूसरा स्टेप क्या रहेगा, ध्यान से देखो, दूसरा स्टेप क्या रहेगा आप बताओ भैया, दूर दूर वाले ले लिए सर, आप क्या करें, पास पास वाले ले लो, पास पास वाले कौन से लोगे बताओ, पास पास वाले कौन से लोगे,
पास पास वाले के लिए आपको क्या करना है, आप बी वन पहले किसको लोगे, आप पास पास वाले में बताओ, बी वन और सी टू को, इसको मैं आपको बना देता हूँ, इसमें उसमें तो खिचड़ी सी लगेगी फिर आपको। क्या स्टेप रहेगा अब यहाँ पे, क्या स्टेप रहेगा, बी वन सी टू, बी वन सी टू, सी वन बी टू, ठीक है, बी वन सी टू लिख सकते हो या बी टू सी वन दोनों को लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर था, इक्वल्स टू में डाला ये, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन मल्टीप्लाई में, ये हो गया पास पास वाले। दूसरा पास पास वाला देखो कौन सा, अब सर पास पास वाला क्या बचा, ए और बी बचा बस आपके पास, ए वन बी टू, ए टू बी वन, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, बस इस मेथड से निकलता है दूसरा आपका, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आपका सॉल्व होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी एक आधा क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से चीज याद रह जाएगी। देखो अब ये दो क्वेश्चन दी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू जीरो, इनके कॉमन रूट है, तो बोल रहा है रिलेशन फाइंड करो ए बी और सी में, क्या बोल रहा है हमें, रिलेशन फाइंड करो ए बी और सी में। तो मैंने पहला क्या स्टेप बताया आपको, सबसे पहले आप इक्वेशन उतार के लिख दो, ठीक है, यहाँ पे लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, दूसरी इक्वेशन क्या लिखोगे, ये लिख लीजिए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ई इक्वल्स टू जीरो। अब क्या स्टेप रहेगा आपका, ठीक है, क्या स्टेप रहेगा, मल्टीप्लाई करो, ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी सी, हाँ वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। दूसरा स्टेप आप ध्यान से देखो क्या क्या होगा, अब मैंने क्या बोला, इसके बाद पास पास वाले मल्टीप्लाई करने, b इंटू a माइनस सी स्क्वायर, बस बढ़िया। दूसरा स्टेप यही था, यस और नो, यही था क्या, ये कौन सा था, आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप इसको भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों में से किसी को भी कर सकते हो, तो इसको लिख दो, क्या बनाइए, ए बी माइनस सी का स्क्वायर, यस और नो, ए इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर, और अब कौन से, ये वाले दो रह गए, ए इंटू सी और बी का स्क्वायर, ए सी माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इक्वेशन को एक्सपैंड करो, सॉल्व करो, क्या बनेगी इक्वेशन, मैं पहले सॉल्व नहीं कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, इसको खोल लेना, इसमें बनेगी आपकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ये बनेगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, याद है, फर्स्ट क्लास में कराया था, ठीक है, वहां से देख लेना, जब इसको सॉल्व करोगे ये इसकी ये वाली फॉर्म आएगी। तो रिलेशन पूछ रहा है, ये आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी, ये कंडीशन कब होती है, या तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होता है, और कब होता है, या तो कंडीशन होती है जब आपकी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो होता है, इन दोनों कंडीशंस में ही ये वाली इक्वेशन करती है, तो ये रिलेशन है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी आपकी, बट इस कंडीशन, इस इक्वेशन की दो कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, या तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होता है, या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है, क्लियर है ये चीज, इसको ओपन अप कर लेना, लंबा है थोड़ा बट हो जाएगा, क्लियर है, यस और नो, क्योंकि okay. आपको यहाँ पे रिलेशन पूछा है, अब कई बच्चे पूछेंगे इतना तो अल्फा डाल के रिलेशन पूछा, भाई सॉल्व नहीं करना, रिलेशन पूछा, ये रिलेशन आपका आ गया, क्लियर है, क्लियर है, यस और नो, किसी को डाउट, ठीक है, वो तो आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, वो आपको अपने एंड से करना है, ठीक है। आप ये तीनों कॉन्सेप्ट कर लिए, अब इसी तीनों कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चंस करेंगे हम, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते रहे, मेरा मोटिव हमेशा ये रहता है, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। आप तीनों कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो इसलिए ध्यान रखना, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैव कॉमन रूट। अब ये कौन सा मेथड आ गया सर, ये तो पहला मेथड ही आ गया, बिल्कुल, क्या बिल्कुल पहला मेथड आ गया, क्या बोल रहा है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये तो पहले हमने किया था क्या, हाँ ये तो किया था अभी, इसके रूट आए थे 1 बाय 2 और माइनस 2, ये तो किया हुआ सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या बदल दिया, अब इसने k की जगह पे क्या कर दिया बच्चों, m कर दिया, बस ये तो सेम ही क्वेश्चन है, यस सर नो, यस सर, सेम क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अभी किया था, जस्ट यहाँ पर m बदल दिया, तो इसे आप ट्राई कर लेना वापस घर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, अच्छा बोथ रूट्स कॉमन होंगे वो वाली इक्वेशन देखते हैं। अभी तो हमने तीनों देख लिए जब वन रूट कॉमन था, अभी जो हमने तीनों मेथड किया बच्चों उसमें क्या था, वन ही रूट कॉमन था, एक रूट कॉमन था, अगर दोनों रूट कॉमन हो जाए तो क्या होता है, उस पर बात करते हैं।
सर अगर दोनों रूट कॉमन हो जाए तो क्या मतलब? मतलब कहना क्या चाहता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर एक इक्वेशन दी हुई है ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन प्लस सी इक्वल टू जीरो, दूसरी इक्वेशन दी हुई है ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू, यहाँ पे एक्स बी टू एक्स प्लस यहाँ पे सी टू सी वन इक्वल टू जीरो, इसके रूट भी अल्फा बीटा है, इसके रूट भी अल्फा बीटा है, तो कंडीशन क्या होगी? आप एक बात मुझे सिंपल सी बताओ, ठीक है? अभी मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूँ, आपको मुझे बताना है उसके रूट्स क्या होंगे, ठीक है? अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ बच्चों, इक्वेशन लिखता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, बहुत फेमस इक्वेशन है, बहुत बारी यूज करते हैं हम, ठीक है? तो इसके रूट सबको रटे हुए हैं, क्या रूट्स होते हैं इसके? एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, यस और नो? यही रूट होते हैं ना इसके, यही यही फैक्टर्स होते हैं, सॉरी रूट तो टू और थ्री हो गए, यही फैक्टर्स होते हैं इसके। आप बोलोगे सर इसके टू और थ्री फैक्टर्स है, बढ़िया है, टू और थ्री फैक्टर होते हैं। इसी इक्वेशन को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखो, टू से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। अब इसके रूट्स निकालो, तो आप क्या होगा सर इसके रूट कौन से नए हैं? यहाँ पे टू कॉमन ले लिया आपने और फिर इसके रूट्स निकाल दिए, तो क्या है इसके रूट्स? एक्स माइनस टू टू और थ्री एक्स माइनस थ्री, ठीक है? ये फैक्टर्स बने, रूट टू और थ्री बने, तो इसके भी रूट क्या हो गए? टू और थ्री, इसके भी रूट थे टू और थ्री, तो दोनों इक्वेशन के बच्चों रूट क्या निकले? कॉमन निकले, टू और थ्री। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या देख रहे हो सर? ये वाली इक्वेशन इसके आइडेंटिकल है, क्या है? ये वाली इक्वेशन इसके आइडेंटिकल है। जब एक इक्वेशन दूसरे के आइडेंटिकल होती है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, अब ध्यान से देखो क्या था यहाँ पर, अभी जो पीछे लिखा था हमने, यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर, तो वन बाय टू का रेशियो बन रहा है, यहाँ पे फाइव था यहाँ पे टेन, वन बाय टू यहाँ पे सिक्स था यहाँ पे, तो मतलब टू से मल्टीप्लाई की थी, यस और नो? टू से मल्टीप्लाई की थी, यस सर। तो यही होता है इसमें। अगर बोथ इक्वेशन आपकी सेम होती है तो इसका मतलब इक्वेशन जरूरी आइडेंटिकल रही होगी आपकी, कैसी रही होगी? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे दिखने वाली, ठीक है? तो अगर उनके कोफिशियंट और उसके ये निकालोगे आप, कोफिशियंट ही है, ए वन अपॉन में ए टू करोगे, बी वन अपॉन में बी टू करोगे और सी वन अपॉन में सी टू करोगे, तो वो चीज आपकी क्या आएगी? बराबर आएगी, क्या आएगी? बराबर आएगी। इनफाइनाइट सोल्यूशन क्यों लिख रहे हो टोनी? इनफाइनाइट सोल्यूशन का यहाँ से कहाँ कॉन्सेप्ट आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो दो ही रूट्स होते हैं ना, इनफाइनाइट कहाँ से आ गया? से पढ़ा था इनफाइनाइट हम इक्वेशंस बना सकते हैं, बट यहाँ पे हम दो इक्वेशन की बात कर रहे हैं, और टॉपिक है हमारा कि अगर दो इक्वेशन में दोनों के रूट कॉमन हो जाए तो क्या हो जाता है। इक्वेशन तो हजारों बना सकते हो आप, इक्वेशंस पे बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अगर दो इक्वेशन के रूट कॉमन है, दो इक्वेशन के मेरे रूट्स कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है? मैं उसके नेचर पे बात कर रहा हूँ। मैं क्या बात कर रहा हूँ? अगर दो इक्वेशन के रूट कॉमन है तो वो आइडेंटिकल है नेचर पे, ठीक है? ओके कैसा सर। नेचर है? आइडेंटिकल है नेचर में, वो आइडेंटिकल है, और अगर आइडेंटिकल है तो ये वो इसको बिल्कुल फॉलो कर रही होगी, इस चीज को बिल्कुल फॉलो कर रही होगी, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन उठा के देखो। अब ये कई बच्चों को देखने में लगता है ये कितने गंदी सी, ये देखो इक्वेशन दी हुई है और इसमें बोल रहा है कि बोथ द रूट्स, इफ बोथ द रूट्स ठीक है आर कॉमन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टू आर पी माइनस। एक इक्वेशन ये दी हुई है आपको गंदी सी बच्चों, एक इक्वेशन ये दी हुई है, ठीक है? देख रहे हो इतनी गंदी इक्वेशन है ये दोनों, और बोल रहा है इनके बोथ रूट्स कॉमन है, ठीक है? अगर दोनों के दोनों रूट कॉमन है तो टू आर माइनस पी की वैल्यू बताओ, ठीक है? तो क्या करोगे आप इसको? अब ये गंदी सी दिखने वाली इक्वेशन को आप क्या करोगे, जरा खोल दो इसको, तो ये क्या बनी आपकी? ये बनी आपकी थ्री इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू के प्लस आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है? अब एक्स 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 स्क्वायर वालों को साथ में ले जाओ, एक्स स्क्वायर वालों को साथ में ले गए तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ये एक्स स्क्वायर वाला और एक ये है, इनको साथ में ले जाओ और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा? थ्री के प्लस वन, यस और नो? इसको नहीं ऐसे समझ में आ रहा तो कुछ नहीं किया, इसको जरा साथ में लिख दो बस, कई बच्चों को ऐसे भी नहीं समझ में आता, ठीक है? दोनों में एक्स स्क्वायर है और क्या क्या साथ में आएगा फटाफट बता दो, आर एक्स के साथ में एक्स वाला तो कुछ और है ही नहीं, और कांस्टेंट में क्या साथ में आ जाएगा? टू के माइनस वन। जरा इसको इक्वेशन को लिखो, ये क्या बनी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना आ गया? थ्री के प्लस वन प्लस आर एक्स
प्लस 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, अब इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक है, आप ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर में कौन कौन सी टर्म है मेरे पास, एक तो ये टर्म है मेरे पास 3k इंटू 2x स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 6k x स्क्वायर। ये एक तो ये टर्म हो गई, और कौन सी है मेरे पास एक्स स्क्वायर में, ये प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, और क्या है मेरे पास पी एक्स, ये भी लिख दिया, और क्या बचा यहाँ पे 3k, 3 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बचा 9k और माइनस 2। इसको सॉल्व करो, क्या कॉमन निकल जा रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जा रहा है, क्या बचा आपके पास 6k प्लस 2 प्लस पी एक्स, और ये क्या बचा प्लस 9k माइनस 2 इक्वल्स टू, ये मेरी बन गई दूसरी इक्वेशन। इनमें दोनों रूट्स कॉमन है, अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2, यही तो चीज है, ध्यान से देखो। अब ये तो आपको दिख रहा है 3k प्लस 1 और 6k प्लस 1, 6k प्लस 2, ये तो सीधा क्या बन रहा है 1/2 बन रहा है कि नहीं बन रहा, यस सर। और क्या बनेगा आपका, यहाँ पे r आएगा, यहाँ पे p आएगा, ध्यान से देखो क्या आएगा, कहाँ चला गया क्वेश्चन, ठीक है। और क्या आ रहा है आपका r और p, और क्या आ रहा है 2k माइनस 1 और 9k माइनस 2, ठीक है, ये तो सीधा 1/2 हो गया। क्या बोल रहा था हमसे, क्या फाइंड करने को बोल रहा था, बोल रहा 2r माइनस p निकालो, 2r माइनस p निकालो कितना होगा, तो यहाँ पे से तो देखो ये कितना 1/2 इज इक्वल टू आर बाय पी, तो ये कितना हो गया 2r किसके बराबर है, p के बराबर है, 2r p के बराबर है, तो क्या बोल रहा वो, निकालना क्या है, ये तो हमें चीज मिल गई यहाँ से पता चल गई, ठीक है, क्या निकालने को बोल रहा था अपने को, 2r माइनस p निकालो, अच्छा 2r माइनस p, तो 2r तो p के ही बराबर है, यानी p माइनस p 0, क्या है इसका आंसर 0, क्लियर है। ये चीज मुझे निकालनी थी, और मुझे क्या पता चला ऊपर से जब मैंने सॉल्व किया 2r p के बराबर है, 2r की जगह वैल्यू रखी p 0, क्लियर, यस सर नो, यस सर, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पे आते हैं हम, ध्यान से देखो और कौन कौन, अब क्वेश्चन थोड़े लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है, लेवल बढ़ता जाएगा, कम से कम 3-4 4-5 क्वेश्चन है वो करना जरूरी है। क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, ABC आपके क्या है, रियल नंबर है। इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू जीरो, इनका एक कॉमन रूट है, एक कॉमन रूट है, बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है, ए रेशियो बी रेशियो 3 निकालना, ठीक है, एक कॉमन रूट है, तो बताओ कैसे करोगे, ठीक है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 के फैक्टर निकाल लेंगे पहले। एक मिनट भाई, कौन है, म्यूट करो भाई, किसकी बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, ठीक है, म्यूट करो, क्या करोगे स्टेप में बताओ, कैसे करोगे ये क्वेश्चन, कैसे करोगे भैया, सर एक रूट कॉमन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पता नहीं आप लोगों में से किसने ये क्वेश्चन पहचाना नहीं पहचाना या कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन अगर मिल जाए तो मुझे बता देना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप में से किसने नेचर पहचान लिया, नेचर ऑफ रूट पढ़ाया है मैंने, किसने पहचान लिया किसने नहीं पहचाना मुझे नहीं पता। अब एक बात मुझे बताओ, ये वाले इक्वेशन को जरा मुझे ध्यान से देख के ईमानदारी से बताओ, इसका डी क्या है, डी क्या है इसका, फटाफट बताओ, इतना बता दो डी के बारे में, ग्रेटर देन है इक्वल है लेस देन है क्या, फटाफट बताओ, डी तो देख के ही बता देते हो, डी क्या होता है सर, स्मॉलर है जीरो से, बताओ जल्दी, कितना हो गया 4-4 इंटू ए इंटू सी, 4-36 -32 नेगेटिव, नेगेटिव, अच्छा भैया नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या बनता है इसमें, क्या बनता है, अगर डी नेगेटिव होता है तो कैसे बनते हैं रूट्स आपके, फटाफट बताओ,
फटाफट बताओ कैसे बनते हैं, कल पढ़ाया था आज भी पढ़ाया, बता जल्दी। डी नेगेटिव होता है तो कैसे रूट बनते हैं बच्चों? तीन केस होते हैं यार, इतना भी आप लोगों को नहीं पता तो कैसे संडे टेस्ट दोगे? डी ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो तो आपके रियल डिस्टेंस बनते हैं, अगर डी लेस देन जीरो है, ठीक है? आप तो नहीं उसमें नहीं लिखना, आपको बोलना है उनसे, मैं चैट नहीं देख रहा, ठीक है? तो आपका टी ग्रेटर देन जीरो है और टी लेस देन जीरो, अगर टी लेस देन जीरो होता तो इमेजिनरी रूट बनते हैं। वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हो, बट मैं चैट नहीं देख रहा हूँ, ठीक है? तो बोल लो क्लास में, ठीक है? बैकग्राउंड वाइज इतना चलता है, थोड़ा बोल के बंद कर लिया करो। तो डी क्या है आपका? लेस देन जीरो। वेरी गुड, टोनी ने आंसर दिया इमेजिनरी रूट्स। वेरी गुड, और इमेजिनरी रूट्स तो बनते हैं, बट कैसे? कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट। कॉन्जुगेट इमेजिनरी कैसे होते हैं भाई? अगर एक पी प्लस आई क्यू है तो दूसरा कैसा होगा? पी माइनस आई। माइनस आई वेरी क्यू है। गुड, तो अगर इसका रूट एक पी प्लस आई क्यू है बच्चों, और इसका रूट एक पी माइनस आई क्यू है। अब एक मुझे सिंपल सी बात बता दो आप, सिंपल सी, इन दोनों में एक रूट कॉमन है, हो सकता है सर इसमें से पी प्लस आई क्यू कॉमन हो, ठीक है? हो सकता है पी माइनस क्यू कॉमन हो, पी माइनस आई क्यू कॉमन हो। अब एक बात बताओ, अगर इसका एक रूट इस इक्वेशन पे आ जाओ, अगर इस इक्वेशन का एक रूट पी प्लस आई क्यू है, तो चुपचाप ये बताओ इसका दूसरा रूट क्या होगा? ये मैंने पहले भी बताया, पी सर टी माइनस माइनस आई क्यू है। आई क्यू। वेरी गुड, और अगर इसका रूट पी माइनस आई क्यू होता तो दूसरा रूट पी प्लस आई क्यू होता, क्योंकि जब डी लेस देन होता है तो कॉन्जुगेट आपके क्या बनते हैं? कॉन्जुगेट ये वाले इमेजिनरी रूट बनते हैं आपके, ठीक है? और जब हम आपका, मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, डी इरेशनल होता है, तो आपके कॉन्जुगेट इरेशनल बनते हैं, वो कॉन्सेप्ट अलग है। तो यहाँ पे कैसे बनेंगे आपके? कॉन्जुगेट इमेजिनरी, अगर इसका पी प्लस आई क्यू है और ये इसका दूसरा क्या हो गया पहले वाले इक्वेशन का, पी माइनस आई क्यू हो गया, और बोल रहा है इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, मान लेता हूँ मैं ये कॉमन है, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर ये कॉमन होता है इन दोनों में, मैं बोलता ये और ये कॉमन है, तो इसका मतलब अगर इसका एक रूट ये है तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट क्या होगा? पी प्लस आई क्यू। खत्म, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ रहा है, खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे ए क्या है? वन, वन अपॉन में ए, खत्म क्वेश्चन। इक्वेशन को ध्यान से देखो क्या बन रहा है इनका रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ रहा है, बता दो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है? क्या है ए रेशियो बी रेशियो सी? वन अपॉन में टू अपॉन में नाइन। क्लियर है क्वेश्चन? यस और नो? क्लियर यस सर। है, ठीक है? सबसे इजी क्वेश्चन था ये, सिर्फ मैंने इसी क्वेश्चन को देखा और मुझे पता चल गया यहाँ पे डी लेस देन जीरो है तो इमेजिनरी रूट से, खत्म कहानी। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन लेगा, बोल रहा है एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, एक्स क्यूब माइनस टू। अब ये थोड़ा क्वेश्चन चातुर चलाक क्वेश्चन है, बट ये भी बहुत इजी है, अपने को कोई टेंशन नहीं। एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस इक्वल टू जीरो हैव टू रूट्स कॉमन, इनके दो रूट कॉमन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। अब इनके दो रूट कॉमन है, ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है, निकालो, बता दो भैया ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? अब आपको एक चीज तो पता है सर, एक इक्वेशन तो मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, हाँ जी ये इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है सर? ये तो क्यूबिक में दी हुई है, कोई बात नहीं, क्यूबिक में दी हुई है तो क्या प्रॉब्लम होगी, इसको क्वाड्रेटिक बना दो। क्वाड्रेटिक बना सकते हो ना? नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, बताओ क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हो? तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मैंने पहले बताया हुआ है, फर्स्ट क्लास में बताया था कि क्यूबिक को क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या करो, सबसे पहले इनका एक फैक्टर निकाल लो। क्या कैसे निकालेंगे? इसमें ना कोई भी वैल्यूज रख के देखो, कौन कौन सी वैल्यू, वन माइनस वन, ठीक है, टू माइनस टू, किसी को सेटिस्फाई कर रहा होगा? अगर वो सेट, इसके कितने रूट्स होंगे सर? इसके तीन रूट्स होंगे, तो वो एक रूट निकल जाएगा, वो एक रूट निकल जाएगा, तो बाकी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देना, ऑटोमेटिकली आपके बाकी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच जाएगी। सपोज मैं इसमें डालता हूँ वन, वन डाल के देखो बच्चों इसमें क्या होगा, क्या आंसर आ रहा है अगर मैं वन डालू? ये हो गया वन माइनस टू प्लस टू माइनस वन, तो ये कितना हो गया आपका, जो कट गया ना सारा, जीरो आ गया। जी तो इसका मतलब एक फैक्टर इसका क्या निकल गया? वन डालते ही निकल गया, देखो वन डालते ही निकल गया, यानी अगर वन रूट है तो फैक्टर क्या होगा इसका, एक्स माइनस वन फैक्टर होगा। अब इस इक्वेशन को अगर आप इससे डिवाइड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो डिवाइड कर लो उसको, कुछ ऐसा बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, या आप डिवाइड कर लेना, जब डिवाइड करोगे तो ये बनेगी आपकी इक्वेशन, ठीक है। तो रूट क्या हुआ आपके बच्चे, 1 1 आ गए। अभी इस इक्वेशन की जरा कोई मुझे रूट बताएगा कैसे आएंगे, फटाफट बताओ ईमानदारी से, देख के डी बताओ क्या होगा, डी बताओ क्या होगा, डी डी बताओ इसके फटाफट। इसका तो 1 आ गया ना 1, ये तो हो गया। इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक के बताओ, डी निकालो इसका क्वाड्रेटिक का, फटाफट बताओ, इतना बता दो ग्रेटर इक्वल्स टू या लेस देन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। अरे वाह, क्या हो गया ये, नेगेटिव आ गया सर, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब कैसे रूट्स बनेंगे इसके, इसके रूट्स तो बनेंगे सर पी प्लस आई क्यू और पी माइनस आई क्यू। तो इस क्यूबिक इक्वेशन के क्या रूट है, पी प्लस आई क्यू, पी माइनस आई और 1 1, ये 3 रूट्स हैं इसकी। क्या बोल रहा है वो, 2 रूट कॉमन है। अब भैया 2 रूट कॉमन है, अगर आप सिंपल सी बात बताओ, 1 रूट तो इसमें हद मार के आप कुछ भी कह लो, या तो पी प्लस आई क्यू होगा या तो पी माइनस आई क्यू होगा, यही होगा ना। Yes. अगर इसका रूट 1 पी प्लस आई क्यू है तो दूसरा ऑटोमेटिकली पी माइनस आई क्यू। अब इसमें पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू बताओ, तो कैसे करोगे, क्या करोगे, अब ए प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें तो बोथ रूट कॉमन आ गए ना आपके, बोथ रूट कॉमन आ गए आपके, यस और नो, बोथ रूट कॉमन में क्या करते हैं, ये क्या करते हैं बताओ, ये क्या क्या लगाओगे, हो जाएगा कि नहीं होगा ये क्वेश्चन आगे, यस और नो बताओ। बोथ रूट कॉमन है, बोथ रूट कॉमन है इसमें किसके, इसके और खाली इस वाले पार्ट के कॉमन है, तो ये ए अपॉन के नीचे क्या आ गया 1, ठीक है। अब ये इक्वेशन इसको कंसीडर मत करना, इस 2 को मत कंसीडर करना, इस वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे, तो ए के नीचे क्या आ गया 1, ठीक है, बी के नीचे क्या आ गया माइनस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी, बता दो अब ए और बी क्या होगा आपका, ए और बी क्या होगा बता दो, सिंपल सी ए प्लस बी, ए कितना आया माइनस ए इज इक्वल्स टू बी आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ गया माइनस ए इक्वल्स टू बी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो b की जगह a प्लस बी पूछ रहा है, तो b की जगह पे क्या रख दूंगा मैं माइनस ए, जीरो। समझे क्वेश्चन कैसे बना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेचर पहले पढ़ा है, नेचर समझाया, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन रह गए हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, वैसे कॉमन रूट वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, एक जेई एडवांस का भी कराना था, ठीक है, इसको अब लास्ट क्लास में करेंगे आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया आपको सबको, नेचर पढ़ा हमने, कॉमन रूट्स पढ़े, अब नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है, कॉमन रूट्स के 2-3 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं ये कर लेंगे, फटाक से हो जाएंगे, ठीक है, डीपीपी में डाल दूंगा कल, ठीक है, आपको वो डीपीपी सॉल्व करनी है बच्चों, ठीक है, अब डीपीपी करना चालू करो, ठीक है। दूसरा क्या है इसके बाद, लोकेशन ऑफ रूट्स रह रहा है आपका, मोस्ट प्रॉब्ली आपका फ्राइडे तक सब कुछ हो जाएगा, और रेंज रह रहा है, पर अच्छी बात यह है कि आपका भी ताजा हो रहा है, ताजा हो रहा है, तो आपको अच्छे से टेस्ट के दिन तक सब कुछ चीजें याद रहेगी, कुछ ना करना रिवाइज करने के लिए, रिवाइज नहीं करना तो उठा के सिर्फ सिर्फ नोट्स पढ़ लेना, उसके कराए हुए क्वेश्चंस को भी दोबारा कर लेना, बहुत इनफ है, क्योंकि दूसरे टीचर उतने क्वेश्चन नहीं कराते जितना मैं एक टॉपिक पे कराता हूँ, 2-3 क्वेश्चन करा के छोड़ देते हैं, ठीक है। मेरा पॉइंट ये रहता है कि मैं सारे बहुत क्वेश्चन ज्यादा कराऊँ, ताकि आपके सारे हर तरीके के डाउट निकल जाए, ठीक है, नोट से भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो